तो आज कुछ नया करते हैं, थोड़ी एक नए टाइप की वीडियो बनाते हैं जो हमने आज तक अपने चैनल पे नहीं बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैलगरी के बारे में, कैलगरी के अलग अलग नेबरहुड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो ठीक है, मैंने सोचा कि एक सिटी का जो एक वॉकिंग टूर होता है ना, उस तरीके की वीडियो बनाते हैं। आज तक हमने अपने चैनल पर बनाई भी नहीं है। तो और आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कैलगरी डाउनटाउन की जो दो मेन जो कमर्शियल स्ट्रीट्स हैं, एक है स्टीफन एवेन्यू वॉक और एक है 17th एवेन्यू, वो कवर करते हैं और साथ में रिवर फ्रंट भी कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे फिर हमें पता लगेगा कि आपको ऐसी वाली वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो हम आगे ऐसी वाली वीडियोज़ और बनाएँ या ना बनाएँ। ठीक है, तो अब ज़रा वॉकिंग टूर शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं कम से कम बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिटी की सैर कराऊँ। तो इसलिए अभी के लिए अपने मुंह को जिप लगाते हैं और चलते हैं। सो इन डाउनटाउन यू कैन फाइंड दीज कम्यून ऑटो कार्स। सो जस्ट लाइक यू कैन रेंट बाइसिकल्स इन डाउनटाउन टोरंटो एंड स्कूटर्स इन डाउनटाउन कैलगरी, similarly you can rent these commune auto cars in downtown. So even if you don't own a car, you can still enjoy your life to an extent. In Canada, whenever there is a building being constructed or renovated, they usually cover the footpath completely for the safety of pedestrians, which is a very good thing, and it shows that there is a system and a process to everything which is followed in this country. And another example of this system and process is that usually in summers, most of the restaurants construct an outdoor patio just outside their restaurant, which covers up the entire footpath. Hence, they also construct this boardwalk to avoid any inconvenience caused to the pedestrians. So yes, it's true. Pedestrians are the king in this country. टोरंटो में रेंट पे आपको साइकिल्स मिलती थी, यहाँ पे आपको ये स्कूटर्स मिल जाते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हो, बहुत लंबा दूर जाना है, तो आप ये स्कूटर लेके भी जा सकते हो रेंट करके। And 17th Avenue is not just a commercial shopping street. In fact, you will find public schools and residential buildings as well. And during summers in the Calgary downtown, you will see a lot of construction and road repair work happening, especially before the month of July, because in July there is a very big event called Calgary Stampede that happens, and it's considered to be one of the world's greatest outdoor show, and people from various provinces and countries come to attend this. So the city of Calgary tries to finish up all the road repair work before that. Also during summers in this 17th Avenue, you'll get to experience a lot of events and live music on weekends and sometimes on weekdays too. And that is why you will see these bright red chairs and tables and a small round circular stage as well.
तो यहाँ पे ना जो रोड्स हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं उनको कहते हैं एवेन्यूज़, और जितनी भी वर्टिकल होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है या वैसे वर्सा, उनको कहते हैं स्ट्रीट्स। तो अभी जो हमने आपको दिखाया, जो हम चल रहे हैं, वो है 17th एवेन्यू, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कमर्शियल एवेन्यूज इन द सिटी ऑफ कैलगरी। और इसका जो मेन जो कमर्शियल पार्ट है ना, वो है 2nd स्ट्रीट से लेके 14th स्ट्रीट तक। ये पूरा मतलब अच्छा खासा कमर्शियल एकदम शॉपिंग वाला एरिया है, उसके बाद उतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं रहता ये। एंड 17th एवेन्यू से हट के अगर आप एक ब्लॉक भी इधर आओगे ना, जैसे मैं आ गया 16th एवेन्यू पे, देन यू विल सी कि एकदम सारा रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ पर शायद टाउन हाउसेज या कॉन्डोज बने हुए हैं और बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में अगर किसी को कैलगरी में डाउनटाउन के आसपास रहना है ना, सो आई थिंक 12th एवेन्यू से लेके अराउंड 20-22 एवेन्यू तक का जो एरिया है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। इट्स क्लोज़र टू डाउनटाउन, जो कोर डाउनटाउन एरिया है, कमर्शियल प्लेस के आसपास है। लेकिन बेनिफिट ये है कि यहाँ इस वाले एरिया में ना आपको ज़्यादा होमलेस एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द होमलेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कोर डाउनटाउन जो है ना उसके पास होती हैं। तो 12th या 10th एवेन्यू से लेके आगे को जाओगे ना टूवर्ड्स कोर डाउनटाउन, जैसे कि टूवर्ड्स 3rd एवेन्यू, 4th एवेन्यू, 2nd एवेन्यू, वो जो एरिया है ना 2nd-3rd एवेन्यू से लेके 11th-10th-12th एवेन्यू तक, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कोर डाउनटाउन है एंड होमलेस एक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन एज सून एज यू क्रॉस द 12th एवेन्यू, तो काफ़ी सुंदर एरिया है, कमर्शियल भी है लेकिन रेजिडेंशियल बहुत ही प्यारा एरिया है और होमलेस एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। सो अब 17th एवेन्यू कवर कर ली हमने, और अब चलते हैं स्टीफन एवेन्यू वॉक, वो भी एक काफ़ी मेजर कमर्शियल स्ट्रीट है, तो वहाँ चलते हैं अब। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही होता है ना, इधर आप देख रहे हो थोड़े पुराने विक्टोरियन स्टाइल के अपना वो बने हुए हैं टाउन होम्स, और यहाँ पे एकदम नए जो आज कल जो कॉन्डोज बनते हैं वो बने हुए हैं, और दोनों एकदम साथ जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, दैट एज यू मूव टूवर्ड्स द कोर डाउनटाउन एरिया यू विल सी अ लॉट मोर होमलेस पीपल। Though they don't say anything to you, but some of them could be drug addicts and you may not feel safe around them. तो अब हम आ गए हैं 8th एवेन्यू पे, पहले हम 17th एवेन्यू पे थे, अब हमें 8th एवेन्यू पे, और 8th एवेन्यू का ही कुछ हिस्सा है जिसे स्टीफन एवेन्यू वॉक कहा जाता है। स्टीफन एवेन्यू पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, यंगस्टर्स से लेके थोड़े हमारी एज के जो ऑफिस जाने वाले, कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग वो, और ओल्ड एज वाले भी लोग काफ़ी होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग भी जो होते हैं ना मौज करते हैं, अपनी पार्टियाँ करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। बट हाँ, स्पेशली इस टाइम पे दोपहर के टाइम पे ज़्यादा आपको कॉर्पोरेट वाले मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस बहुत सारे हैं, तो लोग अपने लंच वगैरह के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। सेवनटीन्थ एवेन्यू पे जैसे आपको खाने पीने और पैटियोस के अलावा और भी शॉप्स दिख गई थी, चाहे कपड़े की हो चाहे फर्नीचर की हो, बट ये स्टीफन एवेन्यू जो है इट्स प्राइमरीली अ रेस्टोरेंट स्ट्रीट आई वुड से,
यहाँ पे पैटी उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत सारे और कमाल के हैं, और यहाँ कुछ ना कुछ इवेंट्स भी चलते रहते हैं। Ferrero che era boa pode merecer e ela parou, olhou, sorriu, me deu beijo e foi embora. ये सारा जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब डाउनटाउन के अंदर अंदर का एरिया ही है। तो अभी हमने करा स्टीफन एवेन्यू, अब हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट की तरफ, वो भी डाउनटाउन में ही है तो वो भी कवर करते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक की वीडियो सही लग रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैंने ऑफिस स्पेशली हाफ डे लिया कि चलो बाहर निकलते हैं, ऑफिस में काम थोड़ा स्लो था आज, मैं कहा हाफ डे लेके बाहर निकलते हैं वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना और बता देना कि भाई आगे भी ऐसी वीडियो बनाएं या ना बनाएं। बट रिवर फ्रंट पे पहुंचने से पहले कुछ पीने का ले लेते हैं, काफ़ी देर से चल रहा हूँ, धूप बहुत तेज़ है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, कुछ पीने का लेते हैं उसके बाद चलते हैं। Can I get one milk tea with mousse, this purple one? Taro. The Taro pudding? Taro, yeah. All right, no problem. And that's everything for you today? Yeah, that's everything. Yeah. All right. यहाँ पर ना बबल टीज काफ़ी फेमस होती हैं तो वही लिया मैंने, और इसमें उन्होंने मूस और केक के भी ना कुछ बिट्स एंड पीसेस डाले तो काफ़ी सही टेक्स्चर आ रहा है। लो जी आ गए हम रिवर फ्रंट, कैन यू इमेजिन, अभी आप एकदम हेविली कमर्शियल स्ट्रीट पे हो एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स आप इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और रिवर के पास हो, ये खूबसूरती है इस शहर की। यहाँ लोग फिटनेस के लिए भी आते हैं, पिकनिक के लिए भी आते हैं, पार्टी के लिए भी आते हैं, लेकिन आराम से चिल करने के लिए भी आते हैं। ऑलमोस्ट रिवर साइड पे जितनी भी बेंचेस हैं हर बेंच पे आपको कोई ना कोई बैठा मिलेगा जो आराम से पानी के किनारे नदी के किनारे बैठा है, गाने सुन रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आगे एक ट्रैवल व्लॉग भी आने वाला है
तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, अगर जैसा मैंने पहले कहा, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके भी बता देना हमें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।